हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और मैं हूँ निधि। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फेविकॉल लगा के अपने ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को कैसे रिमूव कर सकते हो। तो क्या आप फेविकॉल अपने नोज के ऊपर लगा सकते हो? क्या ये इफेक्टिव है? और क्या आपके स्किन के लिए सेफ है? फेविकॉल लगाने से कोई नुकसान तो आपकी स्किन को नहीं होगा? इसके क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है? तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और अपने नोज के ऊपर आपको लाइव करके दिखाने वाली हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे या बेनिफिट्स होंगे। तो वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो इस वीडियो को आज पूरा जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरह का फेविकॉल है। ये आपको 10 रुपये का मिल जाएगा। और जैसा कि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस वायरल हो रखे हैं कि फेविकॉल लगाओ और झट से एकदम ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स से छुटकारा पाओ, तो देखती हूँ आज ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता है तब तक मैं इसे ऐसे ही रखूंगी। कम से कम 5 से 10 मिनट आपको अपनी नोज के ऊपर रखना है ताकि ये ड्राई हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसे रिमूव करके दिखाऊंगी कि ये कितना ज़्यादा वर्क करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये फेविकॉल मेरा अच्छे से ड्राई हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से सूख गया है और मेरी स्किन खींचती रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इसे अब रिमूव करूंगी। आप देख सकते हो मैं कुछ इस तरह से इसे रिमूव करूंगी और आपको बिल्कुल धीरे धीरे से रिमूव करना है और एकदम से ये आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आप यहाँ पे गौर करोगे तो मेरी नोज थोड़ी सी रेड हो गई है, इस तरह से आपको दिख रहा होगा। तो इसने काफ़ी हद तक ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव किए हैं, बहुत ज़्यादा रिमूव नहीं किया है और मेरी नोज़ रेड हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये मुझे थोड़ा सा जलन भी दे रहा है, तो ये मुझे सूट नहीं किया है बिल्कुल भी। सारे के स्किन टाइप अलग अलग होते हैं, किसी को सूट करता है किसी को नहीं करता है। तो आप कैसे पता करोगे कि आपको सूट कर रहा है या नहीं करना है, उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो आप करके देख सकते हो कि आपको ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है मेरे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे ट्राई नहीं करो, क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं। ये तो एक बच्चे को भी पता होता है कि इसमें केमिकल तो मिले होंगे, क्योंकि ये आपके स्किन के लिए तो बनानी है। और जो आप इसे स्किन पर यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी चीज़ अपनी स्किन पर कैसे यूज़ कर सकते हो यार? आप जब भी कुछ यूज़ करते हो अपनी स्किन के लिए, तो आप पहले इसमें 100 बार चेक करते हो कि एक्सपायरी है, कब तक है, नहीं है, एक्सपायर तो नहीं हो गया प्रोडक्ट, तब आप जाके यूज़ करते हो। और कौन सी आपकी स्किन के लिए बेस्ट है, ऑयली स्किन वालों के लिए अलग, ड्राई के लिए अलग, कॉम्बिनेशन वालों के लिए अलग। तो आप इतनी सारी चेक करके आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आप फेविकॉल कैसे ट्राई कर सकते हो यार? फेविकॉल बिल्कुल भी नेचुरल चीज़ तो है नहीं, केमिकल्स में मिले हुए हैं। और अगर आप ये सोचते हो कि जब आप स्कूल टाइम में इसे यूज़ करते थे और यूज़ करते करते आपके हाथ में जब लग जाता था तब तो ये कोई नुकसान नहीं करता था, तो जब मेरे हाथ की स्किन पर नुकसान नहीं कर रहा है तो फेस के स्किन पर क्यों करेगा? तो ये आप गलत सोच रहे हो फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी फेस की जो स्किन होती है उसकी पीएच लेवल अलग होती है और हैंड की पीएच लेवल अलग होती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको हैंड पे सूट कर रहा है वो आपको अपने फेस पे भी करे। अब आप एग्जांपल में ले लो वीट। वीट में भी लिखा होता है कि आप इसे हैंड पे यूज़ कर सकते हो लेकिन फेस पे यूज़ नहीं कर सकते हो। ऐसा क्यों लिखा होता है उसमें? उसमें भी बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं कि आप भी ये सोच रहे होंगे कि वो आपके हैंड के बाल को रिमूव कर रहा है तो फेस के भी हेयर को रिमूव करेगा, पूरे फेस पे लगा के रिमूव कर लो। तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, वो आपकी स्किन के लिए नहीं बना है। तो जो चीज़ यहाँ के लिए बनी है उसे वहीं पे आप यूज़ करो, कहीं और यूज़ मत करो, क्योंकि वो लोग भी तो कुछ सोच के ही बनाते हैं ना, कंपनी वाले ऐसे तो बना नहीं देंगे। तो ये आपको टोटली सोचना है कि आपको फेविकॉल यूज़ करना है या नहीं करना है, ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव तो है, मैंने आपको बता दिया ये इफेक्टिव है, आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है। बट आप देख सकते हो मेरी नोज़ रेड सी हो गई है, रैसेस हो गए हैं मुझे, तो ये मुझे सूट नहीं किया। सारे की स्किन टाइप अलग अलग होती है, क्या पता आपको हो जाए, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। बहुत सारे रेमेडीज़ हैं जो आप ट्राई कर सकते हो ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए।
मैंने इस वीडियो में फेविकॉल इसीलिए आपको अपने ऊपर यूज़ करके दिखाया कि ताकि आपको ट्रस्ट हो जाए अच्छे से कि आप इसे यूज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते, प्रॉपर आपको तरीका पता चल जाए। और अगर आप चाहते हो कि आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो ही ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो फ्रेंड्स कि आप वीक में एक बार अपने नोज के ऊपर अच्छे से स्क्रब करो। आप वीक में एक दिन टाइम निकाल के स्क्रब करोगे तो आपके ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स नहीं आएंगे। और दिन में कम से कम 2 से 3 बार फेस वॉश का यूज़ करो, क्योंकि डर्ट और पोल्यूशन के कारण ही ब्लैक हेड्स होते हैं। तो आप कहीं बाहर से जाते हो आते हो, मतलब फेस को बस ऐसे ही पानी से कर लेते हो बट फेस वॉश नहीं करते, लेकिन फ्रेंड्स आपको फेस वॉश करना है ताकि डीपली क्लीन हो जाए और जो भी आपके डर्ट वगैरह जमे हैं पोल्यूशन वगैरह वो अच्छे से निकल जाए। तो आपको वहाँ पे अच्छे से मेंटेन करना है, उस एरिया को साफ रखना है, और आपको जब भी टाइम मिले आप रोज़ वाटर से उस एरिया को क्लीन करो अच्छे से, तो आपको ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम होगी भी नहीं। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, लेकिन फेविकॉल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, ये बिल्कुल भी नेचुरल प्रोसेस नहीं है, बट बहुत इजी है। ये 10 रुपए की खरीदो, झटाक से लगाओ, फटाक से निकाल लो, ऐसा वाला सीन है। बट यार जल्दी जल्दी के कारण में अपनी स्किन को आप खराब मत करो, क्योंकि इसे लगाने से आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको ये तुरंत हो जाए, कुछ टाइम के बाद में हो सकता है, उस समय भी हो सकता है। तो इसलिए आप अच्छा है कि पहले से ही सावधानियां बरत लो, तो आप फेविकॉल यूज ना करें, बाकी आपकी मर्जी है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर करके जाना। तो मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर